नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आइए आपको बताती हूं एंटरटेनमेंट की टॉप 5 खबरें, वो भी तेज रफ्तार से। हाल ही में कंगना को किसान आंदोलन के विरोध में ट्वीट करना भारी पड़ गया। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कंगना के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर करने की मांग की है और कहा है कंगना रनौत पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कंगना घटिया किस्म की बयानबाजी ट्विटर पर कर रही है। किसानों को आतंकवादी कहना गलत है। किसानों के बेटे देश की हिफाजत बॉर्डर पर कर रहे हैं। कंगना अपनी गंदी राजनीति चमकाने में लगी हुई है। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इंटरनेशनल पॉप स्टार रियाना की ट्वीट के बाद देश में चल रहा किसान आंदोलन का मुद्दा अब इंटरनेशनल हो गया है। रियाना की ट्वीट के बाद कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज भी किसानों के समर्थन में अब सामने आ गए हैं। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसके बाद कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी ट्वीट कर सरकार का समर्थन किया। इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, करण जौहर, एकता कपूर और कैलाश खेर जैसे सेलेब्स ने ट्वीट कर लोगों से झूठे प्रोपोगंडा में नहीं पड़ने की अपील की। इस पूरे मामले में अब एक्ट्रेस तापसी पन्नू का भी रिएक्शन सामने आ गया है। तापसी पन्नू ने बिना किसी का नाम लिए बॉलीवुड और अन्य सेलिब्रिटीज पे तंज कसते हुए कहा है यदि एक ट्वीट आपकी एकता को हिला सकता है, एक मजाक आपके विश्वास को कुदेड़ता है और एक शो आपके धार्मिक विश्वास को आहत करता है तो ये केवल आप है जिन्हें अपने वैल्यू सिस्टम पर काम करने की जरूरत है, ना कि दूसरों के लिए प्रोपोगंडा टीचर बनने की। आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी से संबंधित एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि संजय लीला बंसाली के निर्देशन में बनी आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी OTT पर रिलीज हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने गंगूबाई काठियावाड़ी के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स को 70 करोड़ रुपए में बेच दिए हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी इस साल दिवाली पर रिलीज की जा सकती है। आलिया के अलावा इस फिल्म में विजय राज, शांतनु महेश्वरी और सीमा पाहवा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। नेटफ्लिक्स पर आ रही परिणीति चोपड़ा की फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन का ट्रेलर सामने आ गया है। द गर्ल ऑन द ट्रेन की कहानी एक लड़की मीरा के इर्द गिर्द घूमती है जो रोज ट्रेन से सफर करने के दौरान एक परिवार को खुशनुमा जिंदगी जीते हुए देखती है। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि उसकी अपनी जिंदगी बदल कर रह जाती है। फिल्म में परिणीति के अलावा अदिति राव हैदरी, कीर्ति कुल्हारी और अविनाश तिवारी अहम किरदारों में नजर आएंगे। तो ये थे आपके लिए एंटरटेनमेंट की आज की सुर्खियां। लेकिन इस वीडियो पे आपकी क्या राय, क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के हमें जरूर बताएं। और साथ ही एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट सुर्खियों के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ।